सांगलीमध्ये अनिकेत कोथळे हत्या प्रकरण ताजं असतानाच आता वसईमध्ये देखील असाच प्रकार घडलाय. वसईमध्ये पोलीस स्टेशनमध्येच विकास झा या 22 वर्षाच्या तरुणाला पोलिसांनी जाळून मारल्याचा धक्कादायक प्रकार घडलाय आणि असा आरोप विकासच्या कुटुंबियांनी केलाय. विकासनं पोलिसांचा खबरी होण्यास नकार दिल्यानं त्याला जाळून मारल्याचा आरोप विकासचा भाऊ अमित यांनी केलाय. या संदर्भात अमित झा यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी शैलेश तवटे यांनी. वसई पोलीस ठाण्यामध्ये विकास झा या 22 वर्षाच्या तरुणाला अचानक मृत्यूची बातमी आली. पोलीस स्थानकाच्या आतच त्याचा मृत्यू झाला, जळून हा मृत्यू झाला असं या घरच्यांचं म्हणणं आहे. पोलिसांनी हा जो मृतदेह आहे हा नायर हॉस्पिटलमध्ये आणलेला आहे. मात्र विकास झा यांच्या फॅमिलीचा आरोप आहे की या संदर्भात चौकशी व्हावी आणि विकास झा जो मृत्यू झालेला आहे याला पोलीस जबाबदार आहेत असं ते म्हणत आहेत. आपण त्याचे भाऊ आहे त्याची बोलूया, काय नेमकी घटना आहे, किस तरह सा हादसा हुआ है, बताएंगे क्या डिटेल्स. सर मुना बलोच और यूनुस शेख, मुना बलोच हमारे यहाँ पर लोकल गुंडा है और यूनुस शेख जो है PI है विरार का. ये दोनों हमेशा मिलकर विकास पर बोगस FIR हमेशा दर्ज करते रहे हैं. हमने कितनी बार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिक्वायरमेंट दी है इनको, कभी भी इन्होंने दिया नहीं. हमने DSP को भी बताया है, DSP ने भी हमारी बात नहीं सुनी, हमें हमेशा फेंक दिया बाहर. लास्ट में भी एक FIR उसके ऊपर लॉन्च हुआ. हम उस सिलसिले में गए थे DSP से, पहले विरार पुलिस स्टेशन बाद में DSP से बात करने के लिए. विकास अकेले चला गया DSP ऑफिस में, वहाँ पर जाकर वो बात करना चाहा लेकिन DSP ने वापस से वही सिलसिला रखा, उसको धक्का मारकर बाहर भगा दिया. इस पर जो है विकास गया था ट्रेन से, उसके पास पेट्रोल नहीं था, गाड़ी नहीं थी, आजकल बॉटल में पेट्रोल मिलता नहीं है तो पेट्रोल आया कहाँ से. अच्छा FIR में क्या लिखा है, FIR में क्या लिखा था? FIR में हमें अभी तक पता ही नहीं है, FIR की कॉपी हमें दी ही नहीं गई है, हम मांगी नहीं सकते. विकास झा की हादसा हुआ, ये उसकी मौत हो गई, तब आपको पता चला ये? हमें हॉस्पिटल से फ़ोन आया, गोल्डन पार्क करके हॉस्पिटल है वसई में, वहाँ से हमें फ़ोन आया कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है, आप आ जाइए. जब हम वहाँ पर गए तो डॉक्टर सब ट्रीटमेंट कर रहे थे, पुलिस हमको मिलने नहीं दे रही थी, उल्टा हमें डरा रही थी कि आप शांत होकर बैठ जाओ. यहाँ पर क्या लगता है ये कौन सा ऑफिसर है जिसने ये सब किया है, कौन है? नयन गोयले हैं, यूनुस शेख हैं, मुनाब बलोच है, परपकर है और रायपुरे हैं. ये सब लोगों ने मिल के जो उसको इतना परेशान किया पिछले 2.5-3 साल में, इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया. पैसे लेते थे इनसे? पैसे नहीं लेते थे, वो कहते थे कि हमारे लिए खबरी का काम करो, हमारे लिए टिपर का काम करो. नहीं कर रहा है तो उसको मेंटली हरास करके 22 साल के लड़के को इतना परेशान किया कि फाइनली उसने जो है ये डिसीजन लिया. आप हमारे सोसाइटी में विरार में आकर देखिए, कहीं भी उसका इस तरीके का आपको नहीं सुनने को मिलेगा. उसकी डेड बॉडी जो है नायर हॉस्पिटल में लाई गई है, अभी यहाँ का क्या कहना है, पुलिसों का क्या कहना है, हॉस्पिटल वाले क्या कहना है? रात में से विकास की जो है वो इज़ नो मोर, तो उसके बाद में फिर फॉर्मेलिटीज़ अभी खाली हो रही है. पुलिस ने हमारा स्टेटमेंट लिया है यहाँ की पुलिस ने, बाकी उसके आगे तो फिर ओनली फॉर्मेलिटीज़ हो रही है और कुछ नहीं. अभी क्या आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि मुनाब बलोच और यूनुस शेख ये दोनों के ऊपर जो है 302 का. अच्छा, मुनाब बलोच एक और काम करता था कि वो जो भी केस दर्ज होते हैं उसको वो फेसबुक पे अपलोड करता था. इससे क्या होता है कि मार्केट में बात फैलती है, विकास को बर्डन्स ऑफ कॉल आते थे, इसकी वजह से वो मेंटल सबसे ज़्यादा हरास होता था. तो मुनाब के फेसबुक पे ये है, मुनाफ के ऊपर 302 की धारा लगाई जाए, यूनुस शेख के ऊपर भी 302 की धारा लगाई जाए, उसको फिलहाल के लिए केस जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं प्रॉपर है तब तक उसको सस्पेंड किया जाए, नयन गोयले को भी इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में गठित की जाए और इसके दायरे में उसको भी लिया जाए, इन सब लोगों को लिया जाए, सारे केस जितने भी लगाए उस पर इन्वेस्टिगेट किया जाए. अगर उसकी फॉल्ट होती है तो अब वो तो नहीं रहा, बट हमें सजा दी जाए, और अगर फॉल्ट उसकी नहीं निकलती है किसी भी केस में तो ये रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स के ऊपर जो भी रिस्पेक्टेड IPC की सेक्शन होती है वो लगाई जाए. नक्कीच विकास झा ही घटना जी आहे ही नुसती घटना नाही, हा मोठा कट आहे आणि वसई पोलिसांनी हा कट रचून विकास झा यांची हत्या केली असा आरोप जो आहे तो विकास झा यांच्या कुटुंबांचा आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित जे कोणी अधिकारी आहेत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करा अशी मागणी केली जाते. व्हिडिओ जर्नलिस्ट राहुल जाधवसह शैलेश तवटे, महाराष्ट्र.